Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve Hai. So here it is 9th of August and we are going to take today's the Hindu news analysis. ओके जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के न्यूज़ एनालिसिस में इट मीन संडे के एनालिसिस में यूजुअली एडिटोरियल्स यूजुअली क्या वैसे भी एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, कुछ उसमें स्पेशल सेक्शंस दिए होते हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है वो सारी न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके सो लेट्स टेक द फर्स्ट न्यूज़. द फर्स्ट न्यूज़ इज सन्स कोरोनल मैग्नेट फील्ड मेजर्ड. सन जो है उसकी कोरोनल मैग्नेट फील्ड जो है उसको मेजर किया गया है. द सन इज़ आर क्लोजेस्ट सन एंड वी हैव बीन क्लोजेस्ट स्टार एंड वी हैव बीन स्टडिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, येट इट हैज़ मैनी एसोसिएटेड पजल्स दैट आर अनएक्सप्लेन्ड पजल्स. ओके या अ सिग्निफिकेंट एडवांस हैज़ बीन मेड बाय एन इंटरनेशनल टीम ऑफ सोलर फिजिसिस्ट led by those from Peking University, China and National Center for Atmospheric Research of US, the group that has measured the global magnetic field of the sun's corona or outer atmosphere for the first time. This research has been published in the Journal Science. Journal Science mein published kiya gaya hai. कोरोना जो है मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ पे सन के आसपास देखा गया है अल्ट्रावायलेट कोरोनल इमेज के थ्रू एंड एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट कोरोनल इमेज देखने को यहाँ मिल रही है. देख सकते हैं आप पिक्चर यहाँ पे दोनों तरफ जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं. एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट कोरोनल इमेज फ्रॉम नासा से जो आई है उसका यहाँ पे पिक दिया गया है सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी से. एंड वहीं पे दूसरी पिक जो है वो कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड सुपर इम्पोज्ड ऑन द एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट कोरोनल इमेज. एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट कोरोनल इमेज पर जो है कैसा दिखाई दे रहा है सन उसकी पिक भी सामने नज़र आ रही है. ठीक है, हॉट कोरोना पजल. देखिए बेसिकली सन इज़ आई कैन से एक ऐसा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है सन का नाम आते ही कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कई सारे ऐसे पजल्स हैं जो आज भी सॉल्व नहीं हुए हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है समवेयर, है ना. तो ये सारी चीज़ें उससे जो हमें समझ में आ रही है कि कोरोनल इम्पैक्ट जो है या कोरोना पजल जो यहाँ बताया गया है बेसिकली ये एक नया क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है सन पे. ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो हमने देखे हैं सन पर. तो सन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए. और ये एक क्योंकि नया इनोवेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के बीच में एक नया इनोवेशन खड़ा हो जाता है तो उसको लेकर के आप जो है प्रिपेयर रहिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, किस तरह का जो है मैग्नेटिक फील्ड देखा गया है तो कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर देखा गया है. ठीक है, अल्ट्रावायलेट कोरोनल इमेज जो है उसके थ्रू. हॉट कोरोना पजल, देर आर टू मेन पजल्स, दो महत्वपूर्ण जो है पजल्स है या विचारणीय हम कह सकते हैं सोच में पड़ने वाली बातें हैं सन के ऊपर. विच दिस एडवांसमेंट विल हेल्प एड्रेस. फर्स्ट इज द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम. कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है. Though the core of the sun is at a temperature of about 15 million degrees, its outer layer, the photosphere, is a mere 4,5700 degrees hot. However, its corona or outer atmosphere, which stretches up to several million kilometers beyond its surface, is much, much hotter than the surface. It is at a temperature of 1 million degrees or more. What causes the atmosphere of the sun to heat up again? Though the surface is cooler than the interior, surface jo hai wo cooler se interior hai, hai na? That is a question. Basically question yehi hai, which has baffled solar physicists. Popular attempts to explain this puzzle invoke the magnetic field of the corona and hence the present work will help understand and verify these theories better.
सो दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट हम यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रहा है अल्ट्रावायलेट के रेस के थ्रू, जो एरिया, सरफेस एरिया जो गर्म होना चाहिए, सरफेस एरिया कोरोनल इफेक्ट इम्पैक्ट से जो है कम नज़र आ रहा है गर्म. तो सरफेस एरिया कम गर्म है और इंटरनल पोर्शन जो है वो एक्सट्रीम हॉट है. तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में काफ़ी जो है क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दूर दूर तक जो गर्मी है वो सरफेस एरिया पे नज़र नहीं आ रही है ना. तो ये एक क्वेश्चन मार्क है. तो इस तरीके से कई सारे पजल्स खड़े होते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ में लेते हुए ये चीज़ की गई है. और बेसिकली जो मल्टी चैनल पोलामीटर जो है, या पोलारीमीटर, सॉरी, CUMPs, उनको यूज़ लेते हुए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के जो डेटाज़ हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ में लिया गया ये जो मैग्नेटिक एरिया है या मैग्नेटिक फील्ड में इस पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं CUMP या मल्टी चैनल पोलर मीटर को यूज़ लेकर ये सारा जो कोरोनल मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई है. अब देखते हैं इंस्टीट्यूशंस इस पर क्या रिप्लाई देता है, और भी जो US ऑब्जर्वेटरी है या अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके ऊपर कैसे रिप्लाई करते हैं, और भी जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, उनका क्या व्यूज़ रहता है इस पर्टिकुलर सिस्टम पे, इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट पे, तो ये आने वाले टाइम में हमें पता चल पाएगा. ठीक है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ हाउ कैन टेबल टॉप एयरपोर्ट्स बी सेफर. टेबल टॉप एयरपोर्ट्स जो है कैसे सेफ, देखिए ये आर्टिकल जो है बेसिकली आपको पता है रिसेंट जो घटना घटित हुई है वंदे भारत मिशन के तहत, जो कैलिकट में लॉन्च हो रहा था फ्लाइट, और वही जो है रनवे पे ही उसकी जो है क्रैश हो गया, वो उसकी दुर्घटना हो गई. उसका हम कह सकते हैं जो दुर्घटना घटित हुई है उसमें अधिक मात्रा में, काफ़ी मात्रा में लोगों की डेथ हुई है, जिसमें पायलट्स, कैबिन क्रू एंड इन्फेंट्स भी शामिल थे, पैसेंजर्स भी शामिल थे. तो इन सब के देखते हुए काफ़ी बड़ी घटना घटित हुई है. एंड अगस्त 7 की बात है, अगस्त 7 अ बोइंग 737 एयर इंडिया एक्सप्रेस द लो कॉस्ट सब्सिडी ऑफ नेशनल करियर एयर इंडिया ऑन अ स्पेशल दैट इज़ वंदे भारत मिशन के तहत ये फ्लाइट आ रही थी दुबई से, एंड रनवे पर ही, कोझिकोड में रनवे पर ही जो है ओवरशॉट हो गई और वहाँ पे घटना घटित हुई, जिसमें 174 पैसेंजर्स, 10 इन्फेंट्स, 2 पायलट्स एंड 4 कैबिन क्रू जो है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिनकी डेथ देखने को मिली. इन व्हाट वाज इट्स सेकंड अटेम्प्ट. बेसिकली देखिए एक चीज़ वेरी क्लियर हो जाती है कि ये जो घटनाएं घटित होती है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स की कमी के कारण होती है ना. तो ये सिचुएशन जो यहाँ आकर खड़ी हुई है, या ये जो पर्टिकुलर घटना घटित हुई है, तो आप इसमें किसे दोष देंगे, आप प्लेन को या उस पर्टिकुलर रनवे को, है ना. कुड द ओवररन एट कोझिकोड एयरपोर्ट बी एवर्टेड, व्हाट आर द मेजर्स दैट नीड टू बी प्लेस. अब ये जो घटना घटित हुई है ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसके अंदर कमी को दर्शाती है, और उस कमी के कारण हुई इतनी बड़ी जो हम कह सकते हैं लॉस है, इतना बड़ा जो लॉस है उसे शो करती है. तो वी शुड और डिपार्टमेंट शुड वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स वेयर दीज टाइप ऑफ ऑपरेशंस कैन बी कंडक्ट, कि इस तरह की घटनाएं आगे घटित ना हो. व्हाट इज़ टेबल टॉप एयरपोर्ट, अब हेडलाइन आप देख सकते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट्स, है ना. और ये क्या है और कितने हैं इंडिया में, इसके बारे में यहाँ बताया गया है. एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इट इज़ एन एयरपोर्ट लोकेटेड और बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द प्लेट्यू और हिली सरफेस एरिया. जो पर्टिकुलर सिटी है उसके अंदर हिली सरफेस एरिया है, टॉप लेवल की ज़मीन पर जो बनाया जाता है टेबल टॉप जिसे कह सकते हैं, टॉप के ले ऊपर जो टॉप के ले टॉप लेवल पे, प्लेट्यू के टॉप पे जो है, या हिली सरफेस एरिया के टॉप पर जो बनाया जाता है एयरपोर्ट या सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है, उसे कहते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट. ओके. द एयरपोर्ट्स इन द कंट्री विच वुड काउंट एज टेबल टॉप्स आर नेमली
कौन कौन से हैं, मिजोरम में है, सिक्किम में है, हिमाचल में है, कर्नाटका में है, उसके अलावा केरला में भी है, दो केरला में हैं। तो इस तरह के एयरपोर्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो क्या ये एयरपोर्ट्स जो है वो किसी भी लेवल पे हम कह सकते हैं कि सेफ और सिक्योर है? और जो घटना अभी रिसेंटली कालीकट में घटित हुई है उसको देखते हुए वी कैन सी इज़ इट और इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर अस दैट इज़ इट गुड वे टू गो फॉर, और ये इस तरह के एयरपोर्ट्स को जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत है, या इस तरह के एयरपोर्ट्स अपने आप में सही हैं? तो ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो इसके अंदर जो है वाई दीज एयरपोर्ट्स ड्रॉइंग अटेंशन नाउ, अब इन एयरपोर्ट्स जो है इन एयरपोर्ट्स का अटेंशन क्यों ये अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, या इसके अलावा यहाँ पे जो है ऑपरेशंस कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। अ सीनियर एयरलाइन कमांडर सेज दैट द लैंडिंग टेक्निक एंड प्रिकॉशंस टेकन आर द सेम फॉर ऑल रनवेज एक्सेप्ट दैट देयर इज़ नो स्कोप फॉर एरर ऑन शॉर्ट एंड और टेबल टॉप रनवेज। ये कहना है सीनियर एयरलाइन कमांडर का, जैसा कि अभी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया था, अभी हमने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन मार्क था कि क्या हम कह सकते हैं एयरलाइन जो टॉप टेबल टॉप जो एयरवेज हैं, एयरलाइंस हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, क्या वहाँ पे रनवेज जो टेबल टॉप बनाए गए हैं क्या वो कहीं ना कहीं फॉल्ट में हैं, उनकी वजह से ये दुर्घटना इस तरह की घटित होती है। तो सीनियर एयरलाइन कमांडर का कहना है कि इट इज़ नॉट अ फैक्ट, ऐसी कोई घटना जो है घटित नहीं होती है टेबल टॉप रनवेज के होने से, क्योंकि टेबल टॉप रनवेज पर ऑलरेडी कई सारे ऑलरेडी जो प्लेन्स है वो लैंड करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि उस पर्टिकुलर वे की, तो उस पर्टिकुलर वे में ऐसी कोई कमी या एरर दिखाई नहीं देता है। ये अगर एरर होता है, क्योंकि देखिए जब अगर टेबल टॉप है भी तो उसके ऊपर वो सारी टेक्निक्स, वो सारी लैंडिंग प्रिकॉशंस को यूज़ में किया जाता है, लिया जाता है जो होना चाहिए। अगर अच्छा उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो लैंड कर रहा है उसे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी अपने लेवल पे बिल्कुल प्रिकॉशन जो अपनाते हुए या अपने सुरक्षा मापदंडों को अपनाते हुए फ्लाइट को लैंड करेगा, लेकिन अगर ऐसी घटना घटित हुई है तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। ओके सो इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। ये पूरा जो है डिटेल स्टडी जो है यहाँ पे दी गई है कि जो घटना अभी रिसेंटली कैलीकट में घटित हुई है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट के ऊपर हुई है, मतलब एयरपोर्ट जहाँ पे ये घटना घटित हुई है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है ना, मतलब हिली एरिया या सर जो हम कह सकते हैं माउंटेनी, माउंटेन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ज़मीन से ऊंचे स्तर पे जो उठा हुआ एरिया होता है, उठा हुआ जो एरिया के ऊपर रनअवेज बनाए जाते हैं, मतलब कि वो एरिया जहाँ से लैंड या जो हम कह सकते हैं टेक ऑफ करती है फ्लाइट्स, तो वो एरिया जो ऊपर सर्फ धरती से जो है कुछ दूरी पर ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं, क्या वो सेफ है? क्या ये जो घटनाएं घटित होती है प्लेन क्रैश की लैंडिंग करते समय या जनरली लैंडिंग करते समय होती है या ओवरटेक करते समय होती है, तो ये सारी चीज़ें जो यार मतलब टेक ऑफ करते समय, तो ये जो घटनाएं यहाँ पे घटित होती है क्या इसका रीज़न उन पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स का टेबल टॉप होना है या फिर टेक्निकल इश्यूज है, उस पर ये आर्टिकल दिया गया है। इस आर्टिकल में पूरी तरीके से ये डिस्कस किया गया है कि क्या किसी भी लेवल पे ये जो घटना घटित हुई है रिसेंटली इसका रीज़न टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं या फिर टेक्निकल इश्यूज हैं, या हम कह सकते हैं कि जो चला रहा है उस फ्लाइट को, जो रनअप कर रहा है उसके अंदर या उसके द्वारा कोई मिस्टेक की गई है, तो ये सारी चीज़ें जो है या प्रिकॉशंस नहीं फॉलो किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी गई है और उस पर निष्कर्ष दिया गया है कि क्या। हालांकि देखिए निष्कर्ष तो अभी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता पूरी तरीके से, वी कांट से दैट दिस वॉज द पर्टिकुलर रीज़न, वी कांट से लाइक दिस। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द कंक्लूजन, व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ इट, एंड विल सी दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ टेबल टॉप एयरपोर्ट्स एट ऑल। ओके द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ पाकिस्तान मैप एंड बॉर्डर डिस्प्यूट। आप सभी को पता है पाकिस्तान का मैप जो है वो काफ़ी दिनों से चर्चा में है, पाकिस्तान ने एक नया मैप जारी किया है अपना,
और बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. व्हाई हैज़ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप, व्हाट आर द क्लेम्स एंड व्हाट डू दे मीन. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, उन्होंने नया पॉलिटिकल मैप क्यों जारी किया है, क्यों अनाउंस किया है उन्होंने ऐसा, एंड क्या क्लेम है उनके और इन सब चीज़ों से वो क्या जताना चाह रहे हैं, क्या मतलब है उनका. तो देखिए 4 अगस्त, सबसे पहले तो हुआ क्या है, 4 अगस्त को पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने एक नए पॉलिटिकल मैप जो है पाकिस्तान के उसकी चर्चा की है, उसे अनाउंस किया है. विद दिस पाकिस्तान बिकेम थर्ड कंट्री टू लॉन्च ए न्यू पॉलिटिकल मैप. सबसे पहले तो देखिए इंडिया ने लॉन्च किया था, है ना, हम कह सकते हैं नवंबर 2019 में. और क्यों किया था, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 को अबॉलिश करके और जो है हमने उसे अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया था, तो जम्मू कश्मीर के चलते हमने एक नया और यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर देने के लिए हमने उसे एक नया मैप के रूप में शो किया था. तो इस तरह से नया मैप जो है हम लोगों ने जारी किया था. उसके बाद में मई 2020 के अंदर नेपाल ने नया मैप जारी किया, है ना, और फिर अब जो है पाकिस्तान ने एक नए मैप को अनाउंस किया है. द ट्रिगर्ड अ एक्शन, सॉरी, इंडिया हैड रिटरेटेड इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विद द न्यू मैप. दिस ट्रिगर्ड अ रिएक्शन फ्रॉम नेपाल विच कंटेस्टेड इंडियन क्लेम्स इन द कालापानी रीजन ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. पिथौरागढ़ के अंदर जो है कालापानी एरिया जो है उस पर जिस पर इंडिया क्लेम करता है उसे खुद का एरिया बताते हुए नेपाल ने नया मैप जारी किया. द टेरिटोरियल क्लेम्स ऑफ पाकिस्तान आर, पाकिस्तान ने क्यों जारी किया है, हाउ एवर ऑफ अ फार ग्रेटर एक्सटेंट एंड चैलेंज मैनी ऑफ द पास्ट अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटीज़. कई सारी जो ट्रीटीज़ और अंडरस्टैंडिंग्स है पुरानी, उनको चैलेंज करते हुए पाकिस्तान ने अब एक नया मैप जारी किया है. वॉट आर द फीचर्स ऑफ न्यू मैप, पाकिस्तान के इस न्यू मैप का क्या फीचर है. द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान हैज़ क्लेम्ड एंटायर रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर स्ट्रेचिंग ऑल द वे बाय द एज ऑफ लद्दाख. द मैप ऑल्सो क्लेम्स जूनागढ़, जम्मू कश्मीर को क्लेम करता है, जम्मू कश्मीर के एरिया को क्लेम करता है और लद्दाख के एज तक के एरिया को जो स्ट्रेच हो रखा है उसको क्लेम करता है पाकिस्तान इस मैप के थ्रू. इस मैप के थ्रू ऑल्सो क्लेम्स जूनागढ़ एंड मनवादार अ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स एंड टेरिटरी रिस्पेक्टिवली. ये दोनों प्रिंसली स्टेट्स और टेरिटरीज हैं जो कि एट प्रेजेंट गुजरात के पार्ट है, उसे भी खुद का हिस्सा बताया है. इट लीव्स आउट अ क्लेम लाइन एट द ईस्टर्न एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिकेटिंग पाकिस्तान्स विलिंगनेस टू मेक चाइना अ थर्ड पार्टी इन द कश्मीर इशू. इससे क्या हो रहा है कि वो पाकिस्तान जो है वो इस मैप के थ्रू उसने इस तरीके से जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के एंड पोर्शन को जो है अपने अपने हिस्से में बताया है, जिससे कि चाइना उसके अंदर इन्वॉल्व हो सके. कश्मीर का जो मुद्दा है उसमें चाइना इन्वॉल्व हो सके. अभी आपको पता होगा चाइना रिसेंटली जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गए थे और उनसे डिमांड की थी इस पर्टिकुलर एरिया को की जांच की, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इशू जो है, डिस्प्यूटेड एरिया जो है उस पर रिलेटेड इशू पर जांच करने की मांग की गई थी. हालांकि उस पर जब इंडिया से जो है मांगी गई अनुमति तो इंडिया ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया. बट स्टिल वी कैन से कि कहीं ना कहीं वी कैन सी, हम देख सकते हैं चाइना और पाकिस्तान दोनों ही जम्मू कश्मीर का जो पर्टिकुलर एरिया है उसको अपने अंडरटेकन करने का की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों देश जो है आपस में मिली भगत भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है. दिस क्लियरली रन्स काउंटर टू द शिमला एग्रीमेंट. शिमला एग्रीमेंट जो हुआ है कश्मीर और बेसिकली कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेकर पाकिस्तान कहना चाहता है कि चाइना शुड इन्वॉल्व विद अस एंड वी शुड गो थ्रू दी कश्मीर, जम्मू कश्मीर इशू, सो दैट वी, हमें ये जो इशू है, हमें ये जो पोर्शन है, ये जो रीज़न है जम्मू कश्मीर का, ये हमें मिले और हम अपने स्तर पे इसे आपस में बांट लें. ठीक है, पाकिस्तान ने जिस समय से लॉन्च किया, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा, द बॉर्डर इन दैट एरिया विल बी फिक्स्ड आफ्टर रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू. कश्मीर इशू सॉल्व होते ही, ये जो मैटर है कश्मीर एरिया का वो सॉल्व होते ही
जो बॉर्डर एरिया है उस एरिया, अच्छा हमारा वहाँ पे कोई बॉर्डर एरिया शो नहीं किया है पाकिस्तान ने, उस मैप के अंदर इंडिया पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर इशू जम्मू कश्मीर की तरफ शो नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है, उनका ये कहना है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जैसे ही हमारा ये जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, कश्मीर मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाता है, उसी के साथ में हम लोग जो है इस पर्टिकुलर एरिया को भी शो कर देंगे। ठीक है, एट द लॉन्च ऑफ द मैप पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेड द बॉर्डर इज दैट एरिया विल बी फिक्स आफ्टर रिजॉल्विंग द इशू। पाकिस्तान ऑल्सो क्लेम द एंटायर टेरिटरी एंड वाटर बॉडीज दैट फॉल इन द सर क्रीक रीजन। सर क्रीक रीजन के अंदर जो है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडिया का, सर क्रीक रीजन का, उसके अंदर जो एरिया आता है, वाटर बॉडीज जितनी भी आती है उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर टेरिटरी आती है, वो सारी टेरिटरी और वाटर बॉडीज जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ऐसा कहना है कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर का, सॉरी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का। सो अब ये सारा मुद्दा, ये सारे न्यू फीचर्स जो उन्होंने अपने मैप में ऐड किए हैं, इसी तरह का सिमिलर मैप जो है उन्होंने ऑलरेडी स्कूल टेक्स्ट बुक में काफ़ी साल पहले ही जो है दे दिया था, जिसमें टेरिटोरियल एस्पिरेशन ऑफ पाकिस्तान को हाईलाइट किया गया है नदन पार्ट के, एंड द डॉक्यूमेंट ऑल्सो मेंटेन्स बिट ऑफ रियलिटी ऑन द ग्राउंड एज इट शोज द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC एरिया जो है रेड डॉटेड लाइन के तौर पे कश्मीर में उसे शो किया गया है। वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस कार्टोग्राफिक कल वेलफेयर या कार्टोग्राफिकल वेलफेयर एंड द मैप इज़ लाइकली टू लीड टू चेंजेस इन पाकिस्तान पोजिशन ऑन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। इंडिया में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उससे पाकिस्तान की पोजिशन क्या चेंज हो जाएगी मैप के अंदर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जम्मू कश्मीर रीजन की, क्या डिमांड जो कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या इससे आने वाले दौर में ये मुद्दा जो है इंटरनेशनल लेवल पे सॉर्ट आउट हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मुद्दा जो है चर्चा में रहा है अब। और अच्छा, हमने जो नेपाल के साथ डिस्प्यूट हुए उन्हें कहीं ना कहीं बेयर कर लिया, अपने स्तर पे सुलझा लिया। चाइना के साथ जो हुए उनमें थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए, लेकिन उनमें भी क्योंकि कोई बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा या मुद्दा नहीं था तो उसे सुलझा लिया गया। लेकिन क्या पाकिस्तान से भी हमारे ऐसे ही संबंध है जिसे हम इजीली सुलझा सकें? नेपाल और चाइना को जिस तरीके से हमने, जिस तरीके से उनका सामना किया है, जिस तरीके से उन्हें शांत किया, क्या हम पाकिस्तान के साथ मिलकर भी ये चीज़ें कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी गई हैं। बाय लीविंग आउट अ क्लेम लाइन इन द ईस्टर्न एंड ऑफ जम्मू कश्मीर नियर लद्दाख, पाकिस्तान हैज़ इंडिकेटेड इट्स विलिंगनेस टू मेक चाइना थर्ड पार्टी इन द कश्मीर इशू। ऐसा जिस तरीके से उन्होंने अपने मैप के अंदर जम्मू कश्मीर का रीज़न, लद्दाख के पास का रीज़न जो है वो पाकिस्तान का बताया है, उस तरीके से इवन जो हिस्सा चाइना के अंदर आता है उसे भी खुद का बताते हुए पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं चाइना को इस पर्टिकुलर मुद्दे में इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट, क्या अथॉरिटीज़ क्या जो है इसके ऊपर रिप्लाई करती है, क्या मुद्दा सामने आता है अथॉरिटीज़ के थ्रू, और किस तरह से इस प्रॉब्लम को, इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी चाइना और हम कह सकते हैं नेपाल के साथ में मैटर को सॉर्ट आउट किया, क्या हम उस तरीके से पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधार सकते हैं? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय इसके बाद भी आज हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध जो है वो अच्छे नहीं हैं। तो क्या इस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये पूरा इस आर्टिकल में दिया गया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ व्हाई आर कन्फ्यूजियस इंस्टीट्यूट्स अंडर द स्कैनर, हाउ विल इट इम्पैक्ट बीजिंग्स ग्लोबल सॉफ्ट पावर एफर्ट्स, विल द इंडियन गवर्नमेंट्स रिव्यू हैम्पर टाइज। बेसिकली इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड जो कि प्रीवियसली मिनिस्ट्री ऑफ HRD थी, HRD मिनिस्ट्री कहलाती थी, सेंट अ लेटर टू सेवरल इंस्टीट्यूशन, कई सारे इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने एक लेटर सेंड किया है और उनसे ये इंफॉर्मेशन मांगी है, ये इंफॉर्मेशन की डिमांड की है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशंस में, मतलब CIs में, चाहे चाइनीज़ लैंग्वेजेस जो है ट्रेनिंग सेंटर्स के तौर पे चलाई जा रही है, तो वहाँ पे से उन्होंने जो है उन एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन मांगी है। दिस वॉज सेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ रिव्यू ऑफ वर्क बींग डन बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन पार्टनरशिप विद फॉरेन एंटिटीज़, फॉरेन एंटिटीज़ के साथ पार्टनरशिप के तहत
इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी पार्टनरशिप के बेसिस पर जो कार्य हो रहा है उनके सारी डिमांड मांगी गई है, यहाँ पे डिमांड की गई है। और ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, चाइनीज़ सीआई प्रोग्राम जो है, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशंस का जो प्रोग्राम है चाइना का, तो उससे हमारे क्या संबंध है ये सब चीज़ों की, या उनसे हमारी क्या जो रनअप कर रही है हमारे सिस्टम में, किस तरीके से कार्य चल रहा है इससे संबंधित, ये सारी चीज़ों की डिमांड की गई है डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, तो समवेयर इन चीज़ों की डिमांड करना, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछना, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि क्या आगे कोई डिसीजन जो है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पर लिया जाएगा, क्या चाइना के साथ ये जो एजुकेशनल संबंध है हमारे, रिलेशंस हैं या लैंग्वेज बेस्ड जो रिलेशन है, क्या ये भी इम्पैक्ट करेंगे, इन पर कोई जो है प्रतिक्रिया की डिमांड की जाएगी या प्रतिक्रिया की जाएगी, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं। ठीक है, देखिए इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट्स ऑलरेडी टॉप पर हैं, इंडिया चाइना के काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में इस तरह जो स्टेप्स हम ऑलरेडी ले रहे हैं, जैसे कि ऐप्स को बैन करना या और भी कई तरह के जो स्टेप्स हमने ऑलरेडी लिए हैं चाइना के साथ में, क्या ये सारे स्टेप्स, क्या ये सारे इश्यूज़ कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो क्यों स्कैन किए जा रहे हैं, क्यों उन पर जो है हम कह सकते हैं उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जा रहा है, क्यों उनकी एजुकेशनल प्रोसेस जो है उसका पूरा, उसकी डिमांड की जा रही है, वो कैसे कार्य कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी स्टडीज़ पे, ये सारी चीज़ों को स्टडी क्यों किया जा रहा है, ये पूरा इस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ओडिशा टर्न्स टू सीड बॉम्ब्स टू फाइट अ जम्बो प्रॉब्लम। बड़ी जम्बो प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो है सीड बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं ओडिशा में। बेसिकली फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हेल्प एडिक्वेट बैम्बू विल जर्मिनेट एंड इंश्योर फूड फॉर एलिफेंट्स। एनकरेज्ड बाय जर्मिनेशन एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ इन बैम्बू प्लांटेशन, ओडिशाज अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन हैज़ बिगन कास्टिंग सीड बॉल्स इनसाइड डिफरेंट फॉरेस्ट टू एनरिच फूड स्टॉक फॉर एलिफेंट्स। बेसिकली जो है एलिफेंट्स के इश्यूज़ को मिटाने के लिए, एलिफेंट्स का जो फूड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पे बैम्बू जो है, बैम्बू से जर्मिनेशन के थ्रू, जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू जो है फूड बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं, सीड बॉम्ब्स मतलब बड़े बड़े जो है ऐसे बॉल्स बनाए जा रहे हैं जिनको कि यूज़ में लिया जाएगा एलिफेंट्स की भूख को मिटाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में बैम्बू प्लांटेशन किया जाता है, बैम्बू काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट्री को, या उस पर्टिकुलर जो प्रॉफिट हो रहा, सॉरी ये जो बैम्बू प्लांटेशन है, बैम्बू प्लांटेशन को यूज़ लिया जा रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मतलब प्रॉफिट मतलब अल्टीमेटली इफ़ दे आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एलिफेंट्स सो इट इज़ अ गुड गोइंग थ्रू, है ना। So, forest officials hope adequate bamboo will germinate and ensure food for elephants. Elephants के लिए germination या food process जो है उसको adequate मात्रा में provide करवाने की उम्मीद की जा रही है forest officials द्वारा। Basically, what is the process? बैम्बू जो हैं, बैम्बू शूट्स हम कह सकते हैं, बैम्बू जो ये जो बनाए जा रहे हैं शॉट्स, बड़े बड़े बॉम्ब्स टाइप जो बनाए जा रहे हैं जर्मिनेशन के थ्रू, इनसे एलिफेंट्स का फूड बनाया जा रहा है। इस फूड को एलिफेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि उनकी भूख को शांत किया जा सके। ठीक है, सीड बॉल्स के तौर पर इन्हें बनाया जा रहा है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड इट विल बी यूज फॉर एलिफेंट्स। ओके, सो देखिए कहीं सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है एनिमल्स को फीड करने के लिए, और स्पेशली एलिफेंट्स आर लाइक दे नीड अ आई कैन से ह्यूज रेशियो ऑफ फूड, ओके ह्यूज परसेंटेज ऑफ फूड, सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट सम थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड और दैट कैन बी गिवन टू एलिफेंट्स इन प्रपोर्शन टू देयर फूड रिक्वायरमेंट। ओके, एंड क्योंकि वहाँ पे इतना फूड प्रॉब्लम्स अभी ऑलरेडी आ रही है फ्रूट वेजिटेबल्स रिलेटेड, तो इन सब को देखते हुए ये एक नया जर्मिनेशन प्रोसेस यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ना, सो यू शुड गो फॉर इट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ केरला क्रैश
टोल्स हेड केरला में जो क्रैश हुआ है फ्लाइट का कैलिकट में, वो डेथ टोल्स जो है करीब 18 तक पहुंच चुका है। एंड जो पूरी सिचुएशन है उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, COVID-19 टेस्ट भी हो रहे हैं पैसेंजर्स के, फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड हो चुका है, रिकवर हो चुका है बेसिकली। एंड उसके अलावा जितने भी ये इंसिडेंट्स क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इससे रिलेटेड बात की जा रही है। और उसके अलावा हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है पहले ही कि टेबल टॉप फ्लाई एयरपोर्ट्स जो है, रनअवेज जो हैं, उन पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है कि क्या टेबल टॉप रनअवेज जो हैं वो रीज़न है इस तरह के एक्सीडेंट्स के, या इस तरह के इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं ऑलरेडी इससे पहले भी जो हुए हैं, क्या ये टेबल टॉप रनअवेज की वजह से हुए हैं, क्या इन्हें जो है यूज़ में लाना बंद करना होगा, या इनको किसी तरीके से इनमें सुधार करने की ज़रूरत है, ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। और इसके बारे में हम ऑलरेडी एक आर्टिकल में पढ़ चुके हैं जहाँ पे साइंटिस्ट और इवन एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई घटना नहीं है कि ये टेबल टॉप रनअवेज की वजह से ऐसी घटना घटित हुई हो, ऐसा नहीं है। हाँ, इससे पहले भी क्रैश हुए हैं प्लेन्स, बट एक जनरल एयरवेज पर भी या जनरल रनवेज पर भी जो है फ्लाइट्स क्रैश हुई हैं। सो हम उसे उसका मोल्ड करते हुए कोई और रीज़न नहीं दे सकते, है ना। और टेबल टॉप रनवेज अगर इशू होता तो अब तक कई सारी घटनाएं घटित हो चुकी होती, लेकिन अब तक दो ऐसी पहले घटनाएं हुई है, एक 2016 में, सॉरी 2010 में, और एक 2017 में, है ना। तो उसके बाद में अब ये इशू, अब ये घटना घटित हुई है या देखी गई है। तो इसको देखते हुए वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट द पर्टिकुलर वे, और दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न टू गो फॉर इट। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई। इसके अलावा 18 लैक्स तक का जो है, जो हम कह सकते हैं एक जो पे करते हैं जिनके साथ दुर्घटना घटित होती है उनके लिए, तो वो फंड के तौर पे जो है 18 लाख सेंक्शन किए गए हैं। और टॉप ऑफिशियल्स ने भी जो है दौरा लिया है, उस पर्टिकुलर मुआवजा लिया है उस पर्टिकुलर सिचुएशन का। हाँ, मुआवजा इज़ फॉर 20 लाख रुपीज़। एंड जो मुआयना किया है, मतलब हम कह सकते हैं पर्टिकुलर जो प्लेस है उसको देखा गया है, वहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स ने पहुँच के जांच की है कि किस तरह से ये दुर्घटना घटित हुई है और क्यों हुई है, इसका रीज़न क्या है, और आने वाले टाइम में किस तरीके से इस तरह के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस तरह के इश्यूज़, इस तरह की घटना को होने से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा जो सिचुएशन है यहाँ पे डिस्कस की गई है। टेबल टॉप रनअवेज इज़ द क्वेश्चन मार्क बेसिकली, ठीक है। टेबल टॉप रनअवेज कहाँ कहाँ हैं, पांच हैं जो ऑलरेडी आपसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। एकमात्र स्टेट जहाँ पे दो टेबल टॉप रनअवेज हैं वो है केरला, डन, ठीक है। दीज वर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है आज की न्यूज़पेपर में डिस्कस करने लायक ऐसा नहीं है जिसे हम यहाँ डिस्कस करें। एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है तो आप मुझे बताइए। लेकिन एक टेबल टॉप रनअवेज पर आप जो है स्टडी करेंगे, और एक पाकिस्तान के मैप पर, ये दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बन जाते हैं आज के, जिनको स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।